नमस्कार, देश की बात में हाजिर। और इस समय बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई आ रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया है पूछताछ के लिए। 16 अप्रैल को रविवार का यह दिन है, सीबीआई मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री को हाजिर होना पड़ेगा और ये शराब घोटाले से उनसे पूछताछ होगी। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, तो ये अपने आप में बहुत अहम है। क्या क्या आपको कुछ ज्ञात हुआ है, क्या कहा गया है इसमें सीबीआई द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी पॉलिसी में अभी तक आरोपी नहीं है। ना तो उनका एफआईआर में नाम है और ना ही किसी चार्जशीट में नाम है, चाहे वो चार्जशीट सीबीआई ने पेश की हो या चार्जशीट ईडी ने पेश की हो, कहीं पर भी उनका आरोपी के तौर पर नाम नहीं है। लेकिन जो सीबीआई या ईडी ने कोर्ट में रिमांड कॉपी दी है, आपको माफी चाह रही हूँ आपको मुकेश, रोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहा जा रहा है वहां चलते हैं। जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है, देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया, न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहे। तो ये संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी की, वो जारी रहेगी। और अरविंद केजरीवाल ने कई संकट पहले भी देखे हैं, इस नोटिस से डरने वाले नहीं है, लेकिन अपने आप में इस नोटिस से जो राजनीतिक हलकों में भी खलबली मच गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ, मुझे बताया जा रहा है शरद शर्मा भी हैं, साथ ही मुकेश सेंगर भी हैं। मुकेश, आप ये बता रहे थे कि जो अबकारी नीति है, जो जिसके तहत मनीष सिसोदिया अंदर हैं जेल में, लेकिन उसमें अब तक नाम नहीं है अरविंद केजरीवाल का, क्या है जरा बताइए डिटेल्स हमें। देखिए, बिल्कुल, जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था उस केस में कहीं भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, बल्कि उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे। लेकिन जो सीबीआई ने और ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी दाखिल की थी, उन रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल का नाम ज़रूर है, हालांकि वो आरोपी के तौर पर नहीं है। और सीबीआई और ईडी ने जो चार्जशीट पेश की हैं, उन चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र है। दरअसल इस मामले में जो एक आबकारी विभाग के पूर्व सचिव सी अरविंद हैं और जो पूर्व आबकारी कमिश्नर एपी गोपीनाथ हैं, उनसे जो पूछताछ हुई थी, इन्होंने पूछताछ में सीबीआई के सामने ये कहा था कि मार्च 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और वो मौजूद थे। उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी का जो कमीशन है वो 5% से बढ़ाकर 12% करने के लिए कहा था।
हालांकि ये मौखिक आदेश था और कहा था कि इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो सबसे बड़ा एलिगेशन जो है वो यही है। सी अरविंद का जो बयान है वो सीबीआई ने सीआरपीसी 164 के तहत कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा जो ईडी की चार्जशीट है उसमें एक बात और है, उसमें ये है कि दिल्ली के जो शराब कारोबारी समीर महेंद्रू हैं जो कि इंडो स्प्लिट के मालिक हैं, उन्होंने सीबीआई और ईडी की पूछताछ में ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के सबसे क्लोज जो है विजय नायर, जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए जो फेस टाइम वीडियो कॉल किया था और उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से बात की और ये कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, इसका ख्याल रखें। दरअसल ये पूरी जो आबकारी पॉलिसी थी इसको पर्दे के पीछे से विजय नायर देख रहे थे, ऐसा सीबीआई का आरोप है, ईडी का भी यही आरोप है। और जो पैसा साउथ की लिकर लॉबी से आया था 100 करोड़ रुपए, वो विजय नायर के पास ही पहुंचा था। फिर ये आरोप ये है कि बाद में फिर वो अरविंद केजरीवाल के जरिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक किसी भी एफआईआर में दिल्ली के सीएम आरोपी नहीं है, लेकिन जो चार्जशीट पेश हुई है उनमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता मैन कॉन्स्पिरेटर बताया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी चार्जशीट में आरोपी नहीं है। लेकिन उनका जिक्र जरूर है कहीं कहीं बीच बीच में कि वो मीटिंग में शामिल थे या वो ये दिशा निर्देश दे रहे थे, इस तरह से उनका नाम जरूर शामिल है। तो अब सीबीआई हो सकता है कि उसी मामले में उनसे पूछताछ करने वाली हो और 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे उनको सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है, तो उनको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। अब देखना होगा कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर पेश होते हैं तो आगे की जांच पर सीबीआई किस तरह करती है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। हमारे साथ परिमल हैं जो मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर मौजूद हैं। परिमल, वहां पे किस तरह की हलचल, वहां से वहां क्या हो रहा है? देखिए, फिलहाल यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है मौजूद, यह हमें बताया गया, क्योंकि अंबेडकर जयंती को लेकर कुछ कार्यक्रम में उनको शामिल होना है, लेकिन कुछ वक्त में उम्मीद जताई जरूर जा रही है कि वो यहां पर आएंगे। हालांकि कुछ वक्त पहले जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, वो भी यहां से निकले हैं, लेकिन अंदर में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है यहां पर मौजूद। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से बिल्कुल यहां पर कोई चहलकदमी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब मुख्यमंत्री आवास में मौजूद होते हैं तो मीडिया को एक दूरी बना के रखने के लिए कहा जाता है और दूर खड़ा होने की इजाजत दी जाती है। तो ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ वक्त में जो मुख्यमंत्री वो अपने आवास पे पहुंचेंगे जब कार्यक्रम खत्म होगा। कुछ आज अंबेडकर जयंती को लेकर अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम में शामिल होना था, फिलहाल वो वहीं हैं, तो उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि वो फिलहाल आएं। और हमारे जैसे कुछ मीडियाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं जब से खबर आई है, क्योंकि रविवार को 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है, जो उनको नोटिस मिला है, तो उसके मद्देनजर हमारे जैसे कुछ पत्रकार साथी यहाँ पे जरूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ वक्त में मुमकिन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने आवास पे पहुंचे। बिल्कुल परिमल, हम आपके पास लगा आते रहेंगे। और बीजेपी के नेता हैं हरीश खुराना, ये सुनते हैं उनका क्या कहना इस मामले पर। आम आदमी पार्टी ने एक खबर चलाई है कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने समन करके बुलाया है। कानून अपना काम कर रहा है, हिसाब से कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे अपडेट होगा आपके पास आएंगे। और आप दृश्य गुवाहाटी से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में मौजूद हैं, बिहू का कार्यक्रम हो रहा है, एक ये विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए जाने की पूरी तैयारी है। यहाँ पे बता दें आपको 11,010 बिहू कलाकार एक साथ बिहू नृत्य करेंगे। रंगाली बिहू का त्यौहार है, नया साल एक तरह से यहाँ मनाया जाता है, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कार्यक्रम शामिल किया जाएगा जब ये तमाम जो कलाकार हैं एक साथ नृत्य करेंगे। हाथ ऊपर करी समग्र विश्व बिहुवतिये परिवहन करा गाम खारू आरु मुठी। और आइए देश की बात में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात अंबेडकर जयंती की। और इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, सरकार विपक्ष देश में ही नहीं विदेश में भी इसे मनाया जा रहा है, विदेश में इसे राइट टू इक्वालिटी के तौर पर बढ़ाया जा रहा है। तो आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर
की 132वीं जयंती पर संसद भवन में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भीमराव अंबेडकर को नमन किया और श्रद्धा के फूल चढ़ाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी संसद में यहां पर फूल चढ़ाए, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भीमराव अंबेडकर को जयंती पर लखनऊ में श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंबेडकर की सीख को आगे बढ़ाया है। उधर आप तेलंगाना के दृश्य दिखाना चाहेंगे। तेलंगाना ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और ये तेलंगाना के दृश्य हैं। हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ। उधर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अंबेडकर के जन्मस्थान पहुंचे और वंचितों के लिए काम करने की बात कही। तो अंबेडकर की विरासत क्यों महत्वपूर्ण हो गई है? क्या हम शोषित समाज को अधिकार दे पा रहे हैं? सरकारी जो योजनाएं हैं उनका क्या लाभ सिर्फ कुछ को मिल पा रहा है? क्यों इस मामले के कई मामले सामने आते रहते हैं, जब एक वर्ग का दूल्हा घोड़े पर नहीं चल सकता या मंदिर में नहीं जा सकता, या ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों में है? इस दिन को राइट टू इक्वालिटी के रूप में मनाना कितना अहम है और आज की युवा पीढ़ी के सामने जो इसको समझे। तो आइए इस पर आगे बढ़ने से पहले हम सीधे पहले सुन लेते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा और अखिलेश यादव उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज वहां बनने की अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, निदेशक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, और साथ ही अशोक भारती, अध्यक्ष हैं नैकडॉ के नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले अगर बद्री नारायण जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, जयंती को बहुत बढ़ चढ़कर बनाया जा रहा है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की तमाम सोच थी, उनकी विचार थी। हम जानते हैं कि हम चुनावी साल में हैं, लेकिन इसको हम देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी खूब मना रहा है और विपक्ष भी मना रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ निधि, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बाबा साहब अंबेडकर आज सबकी जरूरत है, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे वाम हो, चाहे केंद्रीय सेंट्रल पॉलिटिक्स, सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले हो। और इसकी दो व्याख्या होती है। एक तो कोई कह सकता है भाई देखिए इंस्ट्रूमेंटल है, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं बाबा साहब की मेमोरी का, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब की स्मृति वो माध्यम है जिस माध्यम से कोई भी राजनीतिक दल दलितों के मन में प्रवेश कर सकता है और उनके साथ जोड़ सकता है और जुड़ सकता है। दूसरा, बाबा साहब की स्मृति और मेमोरी का जो दूसरा रूप है कि हर राजनीतिक दल को बाबा साहब की जरूरत है, और ये जरूरत मेरे अनुसार बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि जो भी थोड़ा थोड़ा काम करेगा दलितों के लिए या उनके तक जाएगा या उनको जोड़ने के लिए कोई भी योजनाएं शुरू करेगा, कोई भी पॉलिसी शुरू करेगा या बाबा साहब को लेके कुछ भी करेगा, तो वो दलितों के एम्पावरमेंट में मदद ही करेगा। यानी सिंबॉलिक और सब्सटेंशियल,
यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह विकास की आकांक्षा, विकास की चाह, इंपावरमेंट, बाबा साहब के मैसेजेस के साथ, बाबा साहब की री रीडिंग के साथ, बाबा साहब की स्मृति को स्थापित करने के साथ आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये इसका निगेटिव पक्ष नहीं देखा जाना चाहिए, इसका पॉजिटिव पक्ष देखा जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कौन सबसे करीब होगा, किसको उसकी लेजिटिमेसी है। तो अब उसमें जिसके भी दो तरह से कोई करीब हो सकता है, एक तो अपना क्लेम करके कि भाई हमारे समुदाय की राजनीति है, जैसे मायावती और कांशीराम जी को तो वो मिला ही था, वो बाबा साहब की पूरी जो जो कहते हैं जो उत्तराधिकार है वो उनको मिलती है खास तरह से। लेकिन बहुत सारे दल जिनका या नेता जो उस समुदाय से नहीं उभरे हैं, लेकिन उनके लिए करके, उनके लिए योजनाएं लेकर के, उनके लिए नए नए विकास के काम लेकर के उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उन तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, दलितों को तो इंपावरमेंट चाहिए, चाहे वो राइट से हो, चाहे वो लेफ्ट से हो, चाहे वो सेंटर से हो, चाहे वो बीएसपी से हो या बीजेपी से हो, किसी से भी हो, उनको भी विकास चाहिए। और वो उस चौराहे पर खड़े हैं जहां पर सारे विचारों को, सारे राजनीतिक दलों को अपने अपने ढंग से जो कोशिश, ईमानदार कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनका एम्पावरमेंट सिर्फ उनके एक पढ़े लिखे तबके तक ना रहे, उनका एक आगे बढ़े हुए तबके तक ना रहे, मोस्ट मार्जिनल कम्युनिटी तक जाए। जो आपने प्रश्न उठाया कि क्या वो विकास नीचे तक पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि आपने, जी आपने एक अहम बात की कि ईमानदार कोशिश। अशोक भारती, आप बताइए, इतनी जो ईमानदार कोशिश की बात है, जमीन तक कितनी पहुंची अब तक? जी धन्यवाद निधि जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं और आपको भी और बद्रीनारायण, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की कोटि कोटि बधाइयां देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आपने सवाल किया कि उनकी कोशिशें जो बाबा साहब चाहते थे, वो सरकार की कोशिशें कहां तक पहुंच रही हैं, मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में जो दलितों की जो उपलब्धियां थीं और सरकारों का जो कमिटमेंट था, वो थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर लग रहा है। क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं थी उनमें तब्दीली की जा रही है, उनमें बदलाव किया जा रहा है, और वो बदलाव लोगों तक कब पहुंचेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं जो असली बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर दलित अस्मिता के प्रतीक हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के साथ न्याय, सम्मान और समता के प्रतीक हैं। डॉक्टर अंबेडकर महिला, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के साथ उनको न्याय मिले इसके प्रतीक हैं। और मुझे लगता है कि ये तमाम पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस बात को लेकर अब कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मतभेद इस बात को लेकर जरूर है, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए, दलितों के, आदिवासी और पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, कितने नेता ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इन तबकों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई नीति है? मैं समझता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिनके पास दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के साथ न्याय, सम्मान और समानता के लिए कोई अपनी पार्टी की नीति हो। सरकारों के पास तो फिर भी थोड़ी बहुत नीति है कि वो दलितों को छात्रवृत्तियां देंगी, दलितों को आरक्षण देंगी। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारे नेता डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां जो प्रतिबद्धता दिखा रही हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि उनकी पार्टियों की सामाजिक आर्थिक नीतियां क्या हैं, जिससे कि दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का, जो जिसके डॉक्टर अंबेडकर प्रतीक बन चुके हैं। बिल्कुल, आपने अशोक भारती जी बहुत अहम बात कही कि राजनीतिक दलों की अपनी कोई नीति इसमें होनी चाहिए। लेकिन मैं आप दोनों से माफी चाहती हूं, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात सामने रखी, पक्ष सामने रखा कि ईमानदारी से हमें इस वर्ग तक तमाम योजनाएं पहुंचानी है और ईमानदारी से काम करना है कि उत्थान हो, इनको इनके अधिकार मिले। अब सीधे हमें गुवाहाटी जाना होगा। मुख्यमंत्री, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद हैं, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। आइए सुनते हैं। एम्स गुवाहाटी का और 3 नए मेडिकल कॉलेज का उपहार मिला है।
आज नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से जड़े उससे जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। आज ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला संस्कृति परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी आज शुरू हुआ है। संस्कृति और तेज विकास का जो ये उत्सव हम सभी मना रहे हैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, अब थोड़ी देर में ही जिस सांस्कृतिक छटा के दर्शन पूरा देश करने वाला है, और मैं अभी जब अंदर आपके बीच में गया तो मुझे उसकी फ्लेवर भी आ रही थी कि क्या रंग जमाया है आपने। ये सबके प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। अपनी संस्कृति को आप सभी असमवासियों ने बहुत संजोकर संभाल कर रखा है, और इसके लिए भी जितनी बधाई आपको मिले वो कम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जितने भी साथियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया है, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये सबको जोड़ने मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। रंगाली बिहू बोहाग बिहू की यही शाश्वत भावना है। ये असमवासियों के लिए दिल और आत्मा का त्योहार है। ये हर प्रकार की खाई को पाटता है, हर भेद को मिटाता है। ये मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का उत्तम प्रतीक है। इसलिए बिहू को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए भावनाओं की, एहसास की आवश्यकता होती है। यही भाव बहनों बेटियों के बालों में सजे कोपो फूल, कोपो फूल से होता है मोगा सिल्क, मेखला सदर और रोंगा रिहा से मिलता है। यही एहसास आज घर घर में बनने वाले विशेष व्यंजन एहो एक बिड़खाक इससे भी होता है। साथियों, भारत की विशेषता ही यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों हजार वर्षों से हर भारतवासी को जोड़ती आई है। हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखंड के हर हमले का सामना किया। हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार झेले, सत्ताएं बदली, शासक आए गए,
लेकिन भारत अजरा अमर रहा, अटल रहा। हम भारतीयों का मन अपनी मिट्टी से बना है, अपनी संस्कृति से बना है, और यही आज विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। साथियों, मुझे इस समय असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार ज्योति प्रहार आगरवाला जी, उनके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है। एक गीत है, बिस्सा विजयी नौजवान। इस गीत की एक और खासियत है, जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी बहुत छोटे थे तब उन्होंने इस गीत को गाया था। आज भी ये गीत देश के नौजवानों के लिए, असम के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, लेकिन पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझे उच्चारण दोष के लिए माफ तो कर देंगे ना? पक्का करेंगे? मैं गलती करूं तो आप लोग नाराज नहीं होके रहे? वाकई असम के लोगों का हृदय बहुत विशाल है। साथियों, ये गीत है बिस्सा विजयी नौजवान, बिस्सा विजयी नौजवान, होक्ती हाली भारोटोर, उलाई आहा, होरान तुमी विप्लवोर, होमो 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 खोटे, मुक्ति जोजारु होशियार, मृत्यु विजय कोरिबो लागिबो, स्वाधीनता खुली यार। साथियों, असम के आप सभी लोग इसका अर्थ बहुत भलीभांति समझते हैं, लेकिन जो लोग देश भर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी तो इसका अर्थ बताना जरूरी है कि असम की रगों में, असम के दिल में, असम की युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या है। इस गीत में भारत के नौजवानों से आह्वान किया गया है, विश्व विजयी भारत के नौजवान, भारत मां की पुकार को सुनिए। ये गीत युवाओं का आह्वान करता है कि बदलाव का वाहक बनिए। ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। साथियों, ये गीत तब लिखा गया था जब आजादी ही सबसे बड़ा सपना था। भारत आज आजाद है और आज विकसित भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मैं देश के नौजवानों से, असम के नौजवानों से आह्वान करूंगा, मेरे भारत के युवाओं, आप में विश्व विजय करने का सामर्थ्य है। अब आगे बढ़िए, तेज गति से विकास की बागडोर संभालिए, विकसित भारत के द्वार खोलिए। साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य कैसे तय कर लेता हूं,
किसके भरोसे विकसित भारत की बात करता हूं? जवाब बहुत आसान है। मेरे भीतर से निकली हुई आवाज कहती है, मेरा भरोसा आप लोगों पर है, मेरा भरोसा देश के नौजवानों पर है, मेरा भरोसा 140 करोड़ देशवासियों पर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आपके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज यहां जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ये भी इसी का एक उदाहरण है। भाइयों और बहनों, दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, सिर्फ इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था। इसमें भी भारत की क्या स्थिति थी, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज हमारे लिए कनेक्टिविटी 4 दिशाओं में एक साथ काम करने वाला महायज्ञ है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है, उसके 4 आयाम हैं: फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। साथियों, आज यहां इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसलिए पहले मैं कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करता हूं। बीते वर्षों में भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान योद्धा लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर दिल्ली में इतना विशाल कार्यक्रम होगा। यहां असम से भी उसमें सैकड़ों लोग गए थे और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला था। साथियों, वीर लासित बोरफुकन हो या फिर रानी गाइडिनल्यू हो, चाहे काशी तमिल संगमम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, चाहे केदारनाथ हो या कामाख्या हो, चाहे डोसा हो या फिर डोईसिरा हो, आज भारत में हर विचार, हर संस्कृति का एक दूसरे से कनेक्ट बढ़ाया जा रहा है। हिम्मता जी ने अभी गुजरात में माधोपुर मेला होकर भी आए हैं। कृष्ण रुक्मणी का यह बंधन भी पश्चिमी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यही नहीं, मोगा सिल्क, तेजपुर लेसू, जोहा राइस, बोका साउल, काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादकों के बाद हमारा गामोसा को भी जीआई टैग मिला है। ये भी असमिया कला हमारे बहनों के श्रम उद्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है। भाइयों और बहनों, आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है। टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा, उसमें अलग अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता, इसलिए हमारा जोर रेल, रोड और हवाई मार्ग के कनेक्टिविटी पर भी है। पिछले देश की बात में बात कर्नाटक की, विधानसभा चुनाव यहां पे होने वाले हैं। कर्नाटक बीजेपी में बगावत थम नहीं रही है, अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं लक्ष्मण साध्वी। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस नेताओं से ये मिले और शामिल हो गए। लिंगायत समुदाय से आते हैं और लक्ष्मण साध्वी बीजेपी ने, आपको बता दें, इनको टिकट नहीं दिया था और इन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी। जब इनको मनाने गए तो कार्यकर्ताओं, इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके सहयोगी थे, उन्होंने नेताओं को वापस भगाया और अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी सांसद के रूप में मिला अपना मकान खाली, उन्होंने किया है। ये मकान दिल्ली की तुगलक लेन में 12 नवंबर का बंगला है। बीते महीने सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद उनकी जो संसद की सदस्यता थी चली गई थी और लोकसभा का आवास समिति ने उन्हें मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया था। अब राहुल गांधी ने मकान खाली वो कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि सूरत की अदालत ने से आए फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। वैसे इस एक महीने में कई लोगों ने अपने मकान राहुल गांधी के नाम करने का ऐलान भी किया है। फिलहाल राहुल गांधी अपना मिला बंगला खाली कर रहे हैं। और दिल्ली से जुड़ी ये खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रखने की फाइल पर उन्होंने बीती रात अब दस्तखत कर दिए हैं और मुख्यमंत्री दफ्तर में फाइल पहले पहुंच गई थी, जबकि आज दोपहर दिल्ली की बिजली मंत्री ने उन पर बिजली सब्सिडी की फाइल रोकने का आरोप लगाया था। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने अंदेशा जताया था कि कल से दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। उन्होंने बताया था कि विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बावजूद राज्यपाल ने फाइल रोक रखी है। राज्यपाल दफ्तर ने पहले भी इस खबर का खंडन किया था। इसका जवाब देते हुए उपराज्यपाल दफ्तर ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री गुमराह करना बंद करें, निराधार आरोपों से बचें। और आइए सीधे हम आपको गुवाहाटी एक बार लिए चल रहे हैं। हम देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे और ये बिहू का जो परफॉर्मेंस है, 11,010 कलाकार एक साथ बिहू नृत्य कर रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया जाएगा। Yeah.
गुवाहाटी से इन दृश्यों के साथ आज भी इसकी बात में इतना ही।